अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं जी? गला खराब खराब सा लग रहा है, गर्मी उसी तरह बरकरार है। साया बहुत मज़े का है। हम लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं और आपको पता है कि 8 बजे पार्किंग हो जाती है पेड। ले जी तो अपनी गाड़ी के पास भी आ गए। जिस तरह की तपश है वो यही बताती है और नज़र भी ऐसे आता है जैसे सूरज करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अपनी बर्थडे भी आ गई है, जो कि आपको बताने की बिल्कुल भी याद नहीं रही है। थोड़े से दिन रह गए हैं अपनी बर्थडे को और फिर इंशाल्लाह बर्थडे पे पार्टी शार्टी तो बनती है। लेकिन क्या पार्टी है, बच्चे भी नहीं है, बेगम भी नहीं है, पार्टी किधर से करेंगे? चले भाई मेरा है, भाई के साथ मिलकर पार्टी करेंगे कोई। तो जी गाड़ी की थोड़ी सी बाहर से सफाई है, वो करने वाले वो करते हैं। खबरें गम तो ये है कि भाई मेरा आज लेट भी हो गया, वो भी मूड ऑफ था, परेशान था कि फाइन ना हो जाए। पीछे आया तो एक नई परेशानी आ गई है भाई के लिए, परेशानी पे परेशानी, परेशानी पे परेशानी भाई। इसीलिए दाढ़ी भाई की वाइट हो गई है, सर के बाल वाइट हो गए, टेंशनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी आज सुबह ये नीचे आया भाई साहब तो इसकी गाड़ी के ना ऊबर ओपन हो रही है ना क्रीम ओपन हो रही है। अब बेचारा सोच रहा है, मायूस बैठा है, अभी दुआ कर रहा है कि मुझे भी मैसेज ना मिले, और अगर मुझे मैसेज मिल गया तो फिर तो इसको और ही टेंशन बढ़ जानी है। फिर इसने कहना है कि वो लेके चला गया तो मैं इधर ही बैठा हूँ, मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही। अब इसकी आईडी ओपन करना भी एक छोटा काम नहीं है, ऑफिस में जाना है और ऑफिस हमारा इधर से 35-40 किलोमीटर दूर है, ऑफिस में ओपन होता है 10 बजे। उधर जाके भाई साहब इसने अपने गाड़ी का मुल्किया लेना है, गाड़ी का कार्ड जो होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड वो लेके और अपने ऊबर क्रीम में अपडेट करना है, तो इसकी ऊबर और क्रीम की आईडी ओपन होगी। अदरवाइज अगर इसके पास वो गाड़ी का कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिलता है इसको तो ये आज सारा दिन काम नहीं करता। मेरी भी भाई से ये दुआ ही है कि भाई अल्लाह करे आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले और आप अपना काम शुरू करें। तो जी काफ़ी अभी बड़ी है और भाई के साथ तरक्की सी चाय भी पड़ी हुई है। तो जी भाई के लिए मैं देखता हूँ कि इसके लिए मुसीबतें बहुत बढ़ती हैं, रोज़ इसके लिए कोई ना कोई बेचारे के लिए मुसीबत, रोज़ कोई ना कोई मुसीबत। बहरहाल जी आप भी दुआ कीजिए, कोई भी इंसान मुश्किल परेशानी में हो तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। ये तो मेरा अपना है, ये तो भाई अपना जिगर का टुकड़ा है, भाई के लिए तो दुआ नहीं करनी तो किसके लिए करनी, भाई के लिए कुत्तों के लिए भी दुआ करनी है। होप्स हो के भाई भी हमारे साथ ही कहीं पाकिस्तान चला चले, फिर लास्ट टाइम भी हम दोनों साथ ही गए थे और नादरन एरिया में गए और मज़े किए घूमे फिरे। उस वक्त तो मैं वलागर नहीं था लेकिन भाई साहब इस दफ़ा हम वलागर हैं, तो इंशाल्लाह अब जिस जिस जगह जिधर जिधर जाएंगे आपके साथ बने रहेंगे। वेलकम बैक जी। तो शाम नहीं है, ये बारिश है दुबई में, बारिश बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है, टी टाइम से पहले ही बारिश शुरू हो गई है जी। मैं और भाई एक जगह पे खड़े थे दोनों और शदीद बारिश शुरू हो गई है, सब बाहर निकल रहे हैं, इधर बारिश एक अनमोल तोहफा है। तो जी बारिश में बाहर निकला था कि आपको दिखा दें कि दुबई में भी बारिश होती है, ये नहीं है कि दुबई में बारिश नहीं होती। ये है जी बारिश, वैसे बारिश तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इधर जब बारिश शुरू होती है तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये रोड्स जो हैं वो बारिश के लिए नहीं है, स्लिपरी हो जाती हैं और एक्सीडेंट होता है। दुआ करें सब खैर खैरियत हो, खैर खैरियत से दिन गुजरे, किसी के साथ कोई हादसा पेश ना आए। ज़्यादा बाइक राइडर जो होते हैं वो गिरते हैं क्योंकि रोड स्लिपरी होती हैं, ब्रेक लगाओ तो वो बेचारे गिर जाते हैं, गाड़ी का चलो कुछ बचत हो जाती है। वेलकम बैक। तो इस तरह हाजिर हैं जी रात के 11:30 बजे, देख रहे होंगे कि लड़का बड़ा फ्रेश है अभी तक, लेकिन लड़का फ्रेश नहीं है, लड़के ने अपने आप को फ्रेश रखा हुआ है। जरा सी सुस्ती का मुजाहरा करें तो ये नींद एकदम से आ जाती है जी। 17 घंटे हो चुके हैं भाई साहब इस सीट पे बैठे हुए। आज दुबई के अंदर, UAE के अंदर कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक किस्म का सैंड स्टॉर्म चला है।
आपको फील होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना है कि आप जैसे फोग होती है बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये कुछ भी तर हो चुका है। लेकिन जब शाम को ये स्टार्ट हुआ था तो मैं उस वक्त उधर था समुंदर के अंदर, जो वो जजीरा पाम ट्री है उधर था, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ जैसे या तो बारिश आ गई है या जैसे काली घटा छाती है, बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ। फिर मेरे एक दोस्त की कॉल आई, उसने बताया कि बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है दूसरी तरफ जिधर लाइक ओल्ड दुबई है उस तरफ, नज़र कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल थोड़े से फासले पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह रहम करे बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये जी समुंदर जिस जगह पे होता है उस जगह पे समुंदरी हवा तो चलती है, लेकिन सैंड स्टॉर्म उधर ही आता है जिधर रेगिस्तान होता है, वो रेत इतनी बारीक होती है जब उड़ती है तो बिल्कुल थोड़े से फासले पे भी नज़र कुछ नहीं आता। एक तो आप गाड़ी से बाहर नहीं उतर सकते, जो ही उतरेंगे तो आपके पूरे जिस्म में बाल में कपड़ों में मट्टी मट्टी हो जाती है, उससे बड़ी उलझन होती है फिर, क्योंकि इतनी वो बारीक होती है कि आप मतलब ऐसे उसको हाथ से उतारें जब तक आप शावर नहीं लेंगे वो बिल्कुल भी जाएंगे। तो ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि टेम्परेचर तकरीबन 49-50 डिग्री था, और अभी कुछ देर पहले मैं तकरीबन 9 बजे टेम्परेचर देख रहा था तो 44 था। रात का टाइम है तकरीबन, रात जो है वो 9 बजे ठीक ठाक रात होती है, तो रात के टाइम भाई साहब 44 था और अब 41 टेम्परेचर है, बताती काम ही है। तो देखें ये देखे 195 इसमें कम हो गया, अभी लगता है मुझे कि पिछला टायर एक पंचर भी है, कोई हल्की फुल्की उसमें कील वगैरह लगी है जिस वजह से हवा थोड़ी थोड़ी निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकल रही लेकिन थोड़ी थोड़ी निकल रही है। वैसे चलने से गाड़ी की आवाज़ जो ठीक हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी इन्फॉर्मेशन की, जो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा व्लॉग देख लेगा वो जाके मेरी वीडियो, वो लोग जो ऊबर क्रीम में इंटरेस्टेड है वो ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल में इस काम में आने से पहले इन्फॉर्मेशन आपको वो वाली लेनी चाहिए जो मैंने आज शेयर की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, तो एक सेकंड भी अपना नहीं देते कि इधर से सब्सक्राइब कर जाएं, चलें किसी की वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो देख के जाते हैं उनको भी सलूट है, उनका भी बहुत शुक्रिया है, उनका भी बहुत एहसान है जो अपने चंद सेकंड हमारी वीडियो को देते हैं। तो जी मेरे व्यूज़ जो हैं वो माशाल्लाह बहुत बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब आपका प्यार है। काइंडली मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं जी, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, विक्की भाई दुआओं में याद रखिएगा, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएँ हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।